इंडियन पार्ले जी। एक मिनट, कम मीठा लग रहा है तो। शायद मैंने बहुत दिनों बाद खाया है, बट कुछ तो डिफरेंस है। आज मैं बहुत सारे कोरियन प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ। प्रोडक्ट नंबर 1, दालगोना। तो अगर आपने स्क्विड गेम देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसके कंपटीशन में वो लोग यही वाली कैंडी यूज करते हैं, एंड बाय चांस अगर कोई ब्रेक कर दे तो फिर उस इंसान को शूट आउट कर दिया जाता है। अब तो ये मुझसे टूट गया है, तो मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा है। नॉर्मल चीनी है, बस यही, और कुछ नहीं। इट्स ओनली शुगर। इसको हम चाय में डाल के अब यूज करेंगे। प्रोडक्ट नंबर 2, ये है यहाँ की सबसे फेमस कैंडी। तो ये लेने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे इसके लिए सेल थी, इतने सारे लोग इसको खरीदना भी चाह रहे थे, और बहुत मुश्किल से मुझे 2 पैकेट मिले। एंड अगर आप ये देख पा रहे हो तो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ देख रहे हो। ये मोस्टली हर पैकेट में एक हल्का सा कॉर्नर रहता है पेपर फाड़ने के लिए इजिली। तो इसको ये पकड़ो और खुल गया या फाड़ दिया। तो मैंने बहुत सारे लोगों को खाते हुए देखा है, एंड इसमें 2 कलर्स हैं। देखते क्या टेस्ट होगा। मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी और कुछ मिंट टाइप का, और लेट्स सी। डिब्बे में तो स्पार्कल बना हुआ है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। ये सावर कैंडी है, स्पार्कल कैंडी नहीं है। लोग क्यों खाते हैं ये मुझे नहीं पता, बट बहुत ज्यादा खट्टी है। ये दूसरी पिंक वाली, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये वैसी है वो जो हम लोग च्युइंगम नहीं खाते हैं, बबल गम। इसका टेस्ट बबल गम जैसा है, ये अच्छी है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, मेरे ख्याल से कोरिया की सबसे सस्ती चॉकलेट है, क्योंकि मुझे इससे सस्ता कुछ नहीं मिला। और इसमें आप देख सकते हो, अगर दिख रहा है, इसमें डेट लिखी हुई है, 1945 की चॉकलेट है ये। मतलब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था उसके पहले की, और अगर हम सोचे कोरिया भी आजाद नहीं हुआ था। बाय द वे, कोरिया एंड इंडिया एक ही टाइम पे आजाद हुआ है, आपको पता है। तो अगर मैं इन चॉकलेट्स को पलट दूं तो आप देख सकते हो हर चॉकलेट में नई नई सीनरी बनी हुई दिख रही है, और ये क्यूट सा कैरेक्टर है ना। तो मेरे हिसाब से ये चॉकलेट तो बहुत ही टेस्टी होने वाली है, मैं बाकी दुनिया की सारी चॉकलेट्स को भूलने वाली हूँ। ट्राई करते हैं। तो ये है हमारी चॉकलेट, जो मुझे ये चॉकलेट कम और कुछ जेली जैसी ज्यादा लग रही है, गुड़ जैसी स्मेल है। ट्राई करें क्या? तो ये है हलवा, या किसी चीज का मुरब्बा, जो मेरे टेस्ट बट के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। अब मुझे समझ आया ये कोरिया की सबसे सस्ती चॉकलेट क्यों है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ईयरबड्स। तो ये ईयरबड्स मुझे अराउंड 1000 वॉन के आसपास मिली थी, एंड अगर मैं इन ईयरबड्स को देखूं, एंड इसमें से मैं अगर एक ईयरबड निकालूं, तो बेस्ट पार्ट होता है कि हम इसको ओपन कैसे करते हैं। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, एंड इसको बस बीच में से ऐसे ट्विस्ट करो एंड देन पुल अप। एंड इसका अगर आप ये पार्ट देखो तो ये पार्ट तो इंडिया में मिलता है, बट ये पार्ट जो मोस्ट सैटिस्फाइंग पार्ट है, जो ये वाली चीज सैटिस्फाई नहीं कर पाती, काश ये भी इंडिया में मिलती, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। तो इसका एक पार्ट राउंडेड है एंड एक पार्ट बहुत ही पतला सा है, अगर आप देख सकते हो तो। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये वाला पार्ट खुजली करने के काम के लिए अच्छा है, एंड ये वाला पार्ट आपको बेसिकली जहां भी दिक्कत हो रही है बस वहीं पे पॉइंट करेगा, वहीं पे। ये मैंने यहीं से लिया था शावर करने के लिए। इसको ऐसे हाथ में लेते हैं और ऐसे सिर पे लगाते हैं और फिर शावर करते हैं। तो ये काफी अच्छा टूल है जिनके नेल्स बड़े होते हैं उनके लिए। एंड इसकी खासियत ये है कि इससे बहुत ज्यादा झाग बन जाता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, गेस करो क्या है। तो ये है नो ब्रांड, मतलब ये नो ब्रांड, यहाँ पे एक ब्रांड है, ये उसकी कॉफी है। एंड ये मैंने बहुत ही सारा खरीद लिया था, इसको बस गर्म पानी में डालो और पी लो। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो है तोबोकी। एंड ये बेसिकली छोटे छोटे से फिंगर साइज के राइस केक होते हैं, जो कि मैगी टाइप के सॉस के अंदर होते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल के बना के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो इस डिब्बे को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ओके, तो इसमें एक सॉस है, फिर दूसरा सॉस है, फिर एक चम्मच भी है, नाइस। एंड ये है राइस केक जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, ये दिख रहा है।
ये एक, इसको राइस केक बोलते हैं एंड ये बहुत चूई टेक्सचर का होता है एंड ये चीज यहाँ पे बहुत फेमस है। और मोस्टली जैसे हम लोग को पानी बताशे पसंद होते हैं ना, वैसे यहाँ पे लड़कियों को स्पाइसी तुब्बोकी बहुत अच्छी लगती है। तो आपने बहुत सारे के ड्रामास में देखा होगा कि चलो तुब्बोकी खाने चलते हैं, वो यही होता है तुब्बोकी। तो अब हम खाएंगे तुब्बोकी। वाओ, ये बहुत ज्यादा चूई है। इसमें हल्का सा मीठा टेस्ट है एंड बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का टेस्ट है एंड थोड़ा बहुत चीज़ी टेस्ट भी है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे तो वो की बहुत पसंद आई है। खत्म। एंड ये है हमारा एक और प्रोडक्ट जो है मार्शमेलो, और जो इतना टेस्टी था कि मैं सारा खा गई हूँ। एंड इसमें तब भी या हमें कोई मार्शमेलो मिलेगा? यस, मिल गया। तो इसमें एक पिंक कलर का और एक व्हाइट कलर का है, तो पिंक वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है एंड व्हाइट वाला प्लेन है। तो हम इसको खा के देखेंगे कैसा है। ये मार्शमेलो है एंड मैं इसको लाइटर से जला के खाने वाली हूँ। इसको बिना जलाए खाना ज्यादा बेटर है। ये, ओ, मैंने इसको टकला कर दिया है तो अब ज्यादा बेटर है। इसको जला के मत खाना, बिना जलाए खाओ तो बहुत ही सॉफ्ट सा, चुई सा, अच्छा सा टेक्सचर है। एंड कोरियंस मोस्टली इसको जला के खाते हैं कैंप फायर के बगल में, तो आप चाहो तो आप भी वैसे ही खा सकते हो। बट इसमें जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, देखो पिंक कलर का दिख रहा है, ये बहुत टेस्टी है। मैंने इसलिए जला के ट्राई किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक तरीका है। हम लोगों ने टॉम एंड जेरी में भी बहुत बार देखा है ना कि ऐसे करके हम आग में जला के मार्शमेलो खा रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने ट्राई किया। बट मुझे ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जला के तो नहीं अच्छा लगा। आप बताना कि आपको कैसे अच्छा लगा, ऐसे ही या फिर जला के। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये। तो ये मैंने नेचर रिपब्लिक से लिया था एंड वहां पर ये 50% ऑफ पे था, तो मैंने बहुत ही सारे पूरी गड्डी उठा लिया है, तो उसमें से मैं आज ये एक यूज करूंगी। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो है ये। तो अब ये क्या है, इसको कहते हैं आई मास्क, जो मुझे डाइसो से मिला था 3000 won का। एंड इसको अगर मैं खोलूं तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं सोते टाइम। होता नहीं है कि हमें नींद नहीं आ रही होती या फिर आसपास बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो आंख पे लगाने के लिए ये वही काम करता है। इसमें ये वाली बॉल्स है, ये याद है हम लोग बचपन में पानी भर के इससे खेलते थे, इसमें वही भरा हुआ है देखो। और ये है इसका बैंड, तो मेरे हिसाब से इसको इसके अंदर डाल के धूप, और मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत ही अजीब और गरीब प्रोडक्ट, एंड ये प्रोडक्ट मुझे आज ही दिखा था। एंड इसमें अगर आप देखोगे बिल्कुल वो जो फिजिक्स की बुक में नहीं दिखता है कि ऐसे करके गोल वाला मैग्नेट होता है, अगर आप देखो इन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तक बनाई हुई है उसी तरीके से जैसे हमने फिजिक्स में देखी थी, याद है। तो ये तो मैंने ऐसे ही उठा लिया, इसके साथ देखो मैं पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करूंगी। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट है एंड वो है ये USB केबल। एंड अगर हम इधर वाले USB केबल की बात करें तो इसमें तीन चीजें आती हैं, एक आपका आईफोन के लिए होता है, एक आपका टाइप सी है एंड एक आपका USB है। एंड तीनों चीजें सिर्फ एक ही में, ये तो बेस्ट चीज है, बस एक तार लो और पूरी दुनिया घूम लो। इस तार से एक बहुत ही ज्यादा आराम हो गया कि इतने सारे चार्जर ले जाने के बजाय मुझे सिर्फ ये एक तार कैरी करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ा नहीं होता बैग में। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, ये सारे आपको खाली डिब्बे मिलते हैं डाइसो में। एंड इसमें बेस्ट चीज ये होती है कि अगर आप इन डिब्बों में देखो तो ऐसे लिखा होता है, छोटे छोटे से स्टिकर्स होते हैं। इसमें देखो शैम्पू का स्टिकर है, इसमें मैंने कंडीशनर का स्टिकर बनाया हुआ है, ऐसे आपको पूरे पाउच में स्टिकर्स मिलेंगे जो आप हर एक डिब्बे में स्टिक कर सकते हैं।
सकते हो। तो आपको rather than बड़ा बड़ा शैम्पू ले जाने से बेटर है एक बस पिद्दू सा डिब्बा ले जाओ, इसमें अपना कंडीशनर भर के दैट्स इट। तो मुझे ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज लगी। एंड ये सब आपको इंडिया के अमेजोन में इजिली मिल जाएगा, तो आप उनसे भी मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स ले सकते हो या कहेंगे छोटे खाली डिब्बे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कैंडी। तो ये कैंडी मैंने ली थी आज से एक साल पहले, एंड जब ये अंकल जी मुझे कैंडी बना के दे रहे थे उन्होंने क्या उछाल उछाल के कैंडी बनाई थी, बट ये मैंने सिर्फ उसी दिन खाई थी। फिर मैंने इसको इतना संभाल के रखा कि ये एक्सपायर हो गई, एंड अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है बट ये डिब्बा है। तो आपको अगर चांस मिले तो ये कैंडी पक्का से खाना, क्योंकि अंकल ने बहुत प्यार से बनाई थी। Made of this is honey. Yeah. And powder is cornstarch, corn flour. Honey is very hot. So now cannot eat it. First, holding around. And now tasting, needed some chewing. We got eat better frozen. Frozen much better. Frozen more crispy and crunchy. प्रोडक्ट नंबर 3 चॉकलेट। तो ये यहाँ की सबसे फेमस चॉकलेट है एंड मोस्टली लोग यही खाते हुए दिखते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये सस्ती है एंड मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है तो मैंने तो ये उठा ली थी। तो अब ट्राई करते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हो मैंगो बना हुआ है, नहीं कोको के सीड्स हैं। तो अगर मैं इसको खोलूं, परफेक्ट, ये देख रहे हो इसमें देखो एरो बना हुआ है, तो मैं इसी को बस यूं पकड़ के और खोल दूं। अब मुझे देखना है कि इसके अंदर मुझे क्या मिलता है। तो ये लॉटे की चॉकलेट है। लॉटे यहाँ पे मोस्टली डेयरी मिल्क जैसा है कि यहाँ पे जितनी चॉकलेट से हर चीज दुनिया में लॉटे 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 ही होता है, एंड इसकी पैकेजिंग भी डेयरी मिल्क जैसी लग रही है। नहीं तो ये डेयरी मिल्क का कॉपी है बस, और कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे मुझे अराउंड 2000 वॉन के आसपास मिली थी, बट ये एग्जैक्ट डेयरी मिल्क है, सेम टू सेम डिटो। बहुत ही अच्छी, और डेयरी मिल्क से थोड़ी कम मीठी है तो मुझे और ही अच्छी लगती है। अब ये वाली चॉकलेट ट्राई करते हैं। ये वाली पिछली वाली से महंगी थी तो मेरे ख्याल से उससे भी बेटर होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये मैंने खोला एंड अब इसको ट्राई करते हैं। मुझे जो लग रहा है कि ये बहुत ही मस्त होने वाली है, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। ये तो बहुत ही टेस्टी होने वाली है। अच्छी नहीं है, चॉकलेट जैसी ही नहीं है ये। इसका भी टेस्ट बिल्कुल सिमिलर ही है, बट वो वाली इससे बेटर थी। ये शुरुआत में मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी, अब इसका टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है। टाइम लगता है शायद टेस्ट आने में, नहीं वैसा ही कुछ। तो आपने मेरे पीछे पड़ी हुई इस पेंटिंग को देखा है? ये वाली पेंटिंग। 안녕하세요 아미 여러분, 여기는 정국입니다. 나는 여러분이 스픽 버블스를 구독하길 원합니다. 그녀는 한국 콘텐츠에 대한 최고의 소스입니다. 여러분도 바로 여기에서 이 영상을 확인해 보시기 바랍니다. Next video 클릭 कर दो जल्दी, वरना ये आपको खा जाएगा।